हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम बनाएंगे भरुआ करेले, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भरुआ करेला बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम करेले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चाकू की हेल्प से हल्का हल्का छील लेंगे। सभी करेले छील लिए हैं। कटोरे में 1.5 गिलास पानी डालकर बॉयल कर लेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे, जिससे कि करेले में कड़वापन निकल जाए। पानी बॉयल हो चुका है, सभी करेले डालकर 5 मिनट के लिए ढककर बॉयल कर लेंगे। जब तक करेले बॉयल हो रहे हैं, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब तवा लेंगे। तवे में 3 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच मेथी दाना, इन सभी को टोस्ट कर लेंगे। मसाला रोस्ट हो चुका है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। करेले भी बॉयल हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं, इसे जार में डाल के पीस लेंगे। मसाला पीस चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। 2 प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, उसी जार में प्याज को पीस लेंगे। प्याज भी पीस चुका है, मसाले की प्लेट में प्याज के पेस्ट को डाल देंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मसाला रेडी है। अब करेले को बीच में कट करके बीज अलग कर लेंगे। सभी करेले को काट कर बीज निकाल दिए हैं। करेले में मसाले फिल कर लेंगे। सभी करेले भर लिए हैं। अब करेले को धागे से लपेट देंगे, जिससे मसाला बाहर ना निकले। अब करेले फ्राई करेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब एक एक करके करेले डाल देंगे। और चला देंगे। अब प्लेट से ढक देंगे। 2-2 मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि करेले अच्छे से पक जाएं। करेले बन चुके हैं। करेले को प्लेट में सर्व करेंगे।
इसे दाल चावल और पराठा रोटी किसी के साथ भी खाया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।